खबर मध्य प्रदेश से, जहां छतरपुर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने रहवासी इलाके में संचालित पटाखा गोदाम से बड़ी मात्रा में पटाखे बरामद किए। दरअसल हरदा में हुई पटाखा फैक्ट्री की घटना के बाद से मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में विस्फोटक सामग्री निर्माण और भंडारण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गई है। छतरपुर की कृष्णप्रिया विहार कॉलोनी में स्थित एक गोदाम में प्रभात गुप्ता के द्वारा अवैध रूप से बड़ी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया गया था। वहीं पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी पटाखे बरामद कर लिए। इस मामले पर एसडीएम बलबीर रमन ने कहा है कि गोदाम संचालक प्रभात गुप्ता के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से संवाददाता मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। हाँ, काफ़ी तादाद में जो है पटाखे पाए गए हैं और आवासीय इलाके में है और नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे हैं, जबकि ऊपर में लोग रह भी रहे हैं और भारी तादाद में दो कमरों में काफ़ी मात्रा में जो है। सर किसका पाया गया? ये प्रभात गुप्ता का है, जिनको सूचना दी गई थी लेकिन सूचना दिए जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुआ अलग तौर पर, और इसकी जब्ती की कार्रवाई और उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई की है। सर ऐसे रहवासी इलाके में आसपास पड़ोस में बच्चे औरतें भी रहते हैं, परिवार रहते हैं, इस तरीके के गोदाम खुलने से कितना नुकसान हो सकता था? काफ़ी नुकसान हो सकता था क्योंकि काफ़ी भारी तादाद में जो है इनके पटाखे ये रहवासी इलाके में रखे हुए। लगभग कितनी कीमत के ये पटाखे होंगे अभी अंदाजा लगा पाए हैं? अभी अंदाजा नहीं है, अभी सूची बनेगी उसके बाद अंदाजा का आकलन किया जाएगा, लेकिन दो कमरे गोदाम के दो कमरे भरे पड़े। उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिनके द्वारा इन लोगों को परमिशन दी जाती है या ऐसे रखते हैं? सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस का भी कंफर्म करना बाकी है कि उनको कहाँ के लिए दिया गया था, क्योंकि वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं, और उनने कहाँ रखा है और कितनी मात्रा में उनको लाइसेंस दी गई है ये कंफर्म। अधिकारियों पर कब तक कार्रवाई हो पाएगी? गोदाम है क्या, उन पर कार्रवाई? अधिकारी पे भी जो है कार्रवाई तो होगी ही होगी कि